ते पंजाब दी तरक्की। ते मेरी बेनती है नौजवानों नूं, मैं तुहाडे विच एग्जाम्पल खड़ा कि जिन्हों एक मैं कहना अर्श तो फर्श से बिठाया था श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब ते समुची लीडरशिप ने बिठाया, मेहनती वर्करां दी जे कदर पैंदी। मेरे नौजवान साथियों बेनती करनी चाहना कि दब के मदद करो SOI के नौजवानों, यूथ अकाली दल वालों। मेरी गल नोट कर लो, 7-8 सीटों तो वह भी अपर लिमिट मैं दे रहा पूरे पंजाब च नहीं आनी आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोग पछाण गए आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी तो कट्ठी रख नहीं सकी। केजरीवाल जो शुरू होया किन्ने वे अन्ना हजारे के लीडरशिप करने किन्ने लोग से सारे छड़ गए उन्होंने, क्यों? क्योंकि यह डिकटेटर है। तो यदा निशाना पंजाब का चीफ मिनिस्टर आप बनना है, एक फेस दूंगा भावें वो सोचता है कि जे मेरे एक बंदे मानते मैं बनना। सो जिहड़ा पंजाब की जनता नहीं इहनू पसंद करती, विश्वास टुट गया उन्होंने, पिछली बार एक हवा बनाई सी झूठ का विश्वास हवा बनाई सी उन्होंने खत्म हो गई। सर तुम 5 साल सत्ता तो दूर रहे, हूँ दूरी बार तुम मंच तुम गल कर रहे थे 13 मुलाकाती प्रोग्राम की, किस तरह का वो तुहाडा प्रोग्राम है, की कहना चाहते पंजाब दे? मैं सारे 13 मुलाकाती प्रोग्राम होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो दसते, पर बड़े सोच समझ के मेरा ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन पढ़ाई तरफ तो मेडिकल फैसिलिटी में, आ दो चीज़ा मैं पूरा ट्रस्ट देना है आने वाली सरकार से। तो मैं गरंटी करता है एज इस ग्राउंड लेवल से पढ़ाई में उचुते मैगा स्कूल बना के जिंद की होना है, घट तो घट पूरे टीचर सारा कुछ होने, क्वालिटी एजुकेशन क्वान्टिटी नहीं। केजरीवाल जो कहता काम सारा फेल है, मैं आप क्या सब तो वड्डा रेत माफिया चन्नी आप है, तुम देखा होना हुणी ओहदे हल्के जी सारा कुछ चली आंदा है, हद तो वड्डा अज तक नहीं 5 सालों का सब तो वड्डा इलीगल कॉलोनी खरड़ तो लैके रोपड़ तक जाके जिन्या इलीगल कॉलोनी है ना 80-85% चन्नी दी आप है। भाईचारे वास्ते पहले 400 यूनिट मुफ्त होंगे, उसके बाद बिल शुरू होया करूंगा, हर परिवार का एक कार्ड मेडिकल का बनूगा, जिवें अमरीका कनेडा विच इंश्योरेंस होंदी है, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਵੇਂ CMC DMC ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, 50,000 ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, बड़े बच्चों में टैलेंट है, गरीब बच्चे पर उनके पास पैसा है नहीं। कोई बंदा बच्चा लवली यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ता है, कोई मेडिकल कॉलेज करना चाहता है, कोई दिल्ली पढ़ना चाहता है, पर पैसे है नहीं, कोई कनेडा जाके पढ़ना चाहता है। मैं नहीं चाहता मेरे पंजाब के बच्चे अपना घर बेचन या कर्जा लैन या जमीन बेचन। सो असी 10 लाख रुपया स्टूडेंट कार्ड स्कीम लेके आवेंगे, मतलब कि जिन्हें बच्चे ने पढ़ना है साढ़े सरकार में रजिस्टर हो जाऊगा, 10 लाख रुपए तक किसी मर्जी हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर किसी कॉलेज एडमिशन ले लो, 10 लाख रुपए तक पैसा उसके खाते चले जाऊंगा। एक असी सरकारी स्कूलों के मगर लगना है, सरकारी स्कूल पढ़ाई फेल क्यों होगी? क्योंकि 5-5, 4-4 कमरे के सरकारी स्कूल है, 2 टीचर होंगे है, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 2 ਟੀਚਰ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ 200 ਟੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣ, 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ।